नमस्कार दोस्तों, सब आप सभी का स्वागत है राधिका ब्लॉग में। सो आज है फादर्स डे, तो मैं और वाइफ जाऊंगा पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेने और एक केक लेंगे। सो अभी मार्केट जा रहा हूँ, वाइफ आ ही रही होगी, वो थोड़ा बाहर गई हुई थी तो ट्रेन से उतरने वाली है, उसको रिसीव करूँगा और पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं गिफ्ट शॉप में। वाइफ को लेने के बाद हम लोग मार्केट में यहाँ पे जूते का तो शॉप में आए, जहाँ से पापा के लिए कुछ अच्छा से स्लीपर लेना था, बिकॉज उनका स्लीपर बहुत ही ख़राब हो चुका था और बजट बहुत कम था कि कुछ और दे पाए, तो उनका स्लीपर सोचे स्लीपर ही दे दे। तो स्लीपर के दुकान में आए तो यहाँ पे काफ़ी सारा था, तो उनके लायक कुछ खास पसंद नहीं आया। तो मुझे तो काफ़ी सारा पसंद आया था, क्योंकि अभी नया नया मॉडल आया हुआ है और काफ़ी सारे शूज़ भी हैं, तो यहाँ पे एक भी पसंद नहीं आया। देन उसके बाद सेम उस ओनर का और एक शॉप था, वहाँ पे जाके देखे। एक्चुअली दो भाई हैं लोग, तो दोनों का अलग अलग दुकान है, तो दूसरे भाई की दुकान पे जाके देखे, तो वहाँ पे एक फ्लाइट का मुझे पसंद आया, तो बट वो पापा के लिए ज़्यादा ये हो जाता, मतलब उनको पसंद नहीं आता, यंगस्टर के लिए है। तो कुछ सिंपल था, स्लीपर लेना था, तो काफ़ी सारा देखने के बाद एक स्लीपर पसंद आया, तो जो जैसा वो पहनते थे पहले उसी टाइप का लिए। लेने के बाद पेमेंट वगैरह करके वहाँ से हम लोग निकले हैं केक वगैरह लेने के लिए। तो ये हम पेमेंट वगैरह करने के बाद यहाँ से निकले हम लोग केक लेने के लिए। आ चुके हैं मेरा फेवरेट मियो मोर, तो आपको पहले ही बता चुका, पहले भी वीडियो में बताया था कि मियो मोर मुझे बहुत पसंद, मियो मोर का केक वगैरह। और आज जैसे फादर्स डे है, देख ही रहे, तो काफ़ी भीड़ भी था और केक का स्टॉक बहुत कम होते जा रहा था, और जो केक मुझे पसंद था बस वो दो ही था। तो एक्चुअली वहाँ तो एक पंगा हो गया था कि मैं जो केक ऑर्डर किया था तो सेम और एक बंदे ने ऑर्डर किया था, तो मेरा बात नहीं सुन के दूसरे को दे दिया। तो मैं बोला जी मैंने ऑर्डर किया था, आप उसको क्यों दे रहे हैं? तो फिर बगल में जो मेरा दोस्त है वो बोला ठीक है ठीक है, दूसरा ले लो। तो हम बोले नहीं, ये मुझे पसंद है, ये मुझे लेना है। तो फिर जिस बंदे ने बोला ठीक है सर आप ले लीजिए, और सर जब कह के बुलाया तो काफ़ी डिसेंट बंदा था। एक्चुअली ऐसे ही बात करना चाहिए डिसेंटली, तो अच्छा भी लगता है सामने वाले को। तो उसने वो केक लेने के बाद केक पसंद आया उसको भी, दूसरा केक। और देन ये चॉकलेट केक है, जैसे कि मेरा फेवरेट है, हमेशा चॉकलेट केक लेते हैं। ये रवि भाई जो मेरा दोस्त है, तो उसने पूछा क्या लिखना है, तो वही आज फादर्स डे है तो क्या लिखूं, तो लव यू पापा बोल के लिख दिया। लव यू पापा लिखने के बाद हम लोग वहाँ से निकले, तो निकलने के बाद घर पे आए। पापा स्माइली कर दो यार, पापा पापा लगी पापा करते लगी तो फाइनली घर पे आके पापा के लिए जब केक लेके जा रहे थे, तो पापा कितने सारे क्वेश्चन करने लगे, क्या है क्या नहीं है,
केक क्यों लाए हो, क्या लेके आए हो, गिफ्ट वगैरह पूछने लगे, क्यों फालतू में ये किए वो किए। तो एक्चुअली बात ऐसा है कि मम्मा तो है नहीं, और रहे पापा, पापा का भी एज हो गया है, तो जितना खुशी दे पा देने की कोशिश करते हैं बस हम लोग देते हैं, जिससे उनको कुछ अकेला फील ना हो मम्मा का। मम्मा को तो ऐसे मिस बहुत करते ही हैं, तो ये कार्ड उनको दिया गया, देन वो केक वगैरह काटे, तो फर्स्ट मेरे को खिलाए, देन वाइफ को, तब बहन को, और उसके बाद वो गिफ्ट वगैरह अपना देखे कैसा है। तो चप्पल एक्चुअली स्लीपर जो था उनका चप्पल, तो सेम सेम ही लेके आए थे, तो बहुत खुश हुए थे, बट ये थोड़ा सा गुस्सा भी कर रहे थे कि ये क्या जरूरत था लाने के लिए ये वगैरह वगैरह। तो बस उनको थोड़ा थोड़ा मैं खुशी देना चाहते हैं, मैं और वाइफ जैसे भी खुशी देते हैं, क्योंकि मेरा वाइफ ही सब में एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, जहाँ ऐसे करना है पापा के लिए वैसे करना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ पापा की सबसे लडली है वो, मतलब मुझे भी पापा कुछ बोल देते बट उसको कुछ बोलते नहीं, तो पापा का बहुत लडली है, तो हमें तो पापा के लिए एक्साइटमेंट रहता है क्या क्या करे क्या क्या नहीं करे। तो ये फादर्स डे वगैरह पहले तो हम लोग मनाते नहीं थे, उसके आने के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो ये केक वगैरह कट हुआ, कट होने के बाद सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये है ऐसा ऐसा है, तो बस यही है फादर्स डे छोटा सा सेलिब्रेट हुआ घर पे। तो केक कट होने के बाद ये मैं आ गया, और थोड़ा सा बाइक में लिया, फिर कैमरा पकड़ के वाइफ की तरफ किया, वाइफ को पापा खिलाए, देन छोटी बहन आई तो पापा छोटी बहन को दिए, उसके बहन भी पापा को थोड़ा सा खिलाई, क्योंकि मैं पापा को खिला नहीं पाया, कैमरा मेरे हाथ में था, तो इसलिए मैं पापा को नहीं खिला पाया, बट छोटी बहन खिला दी। उसके बाद से पापा अपना गिफ्ट वगैरह देख रहे थे कैसा है नहीं है, वाइफ भी बोल रही थी सेम टू सेम, मैं पापा भी बोल रहे थे सेम टू सेम, मैं एग्जैक्ट पहले जैसे जिस कलर का लेके आए थे सेम कलर का स्लीपर मिला था उनके लिए, तो अच्छा भी लगा, और छोटा मोटा कुछ अरेंजमेंट हो गया तो वो भी अच्छा था। तो क्या होता है कि छोटे छोटे चीज़ों में जो खुशियाँ मिलती है ना, वो और सब चीज़ों में नहीं मिलती है, तो इसलिए कभी कभी क्या छोटे छोटे चीज़ों में हमेशा खुश रहना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कैसा गिफ्ट? हाँ तो इनकी देखिए हार का है। ऐसा ही है, एकदम कलर सेम है। नहीं वो ऐसे ले रहे थे, चॉकलेटी कलर अंगूठा। रहेगा।